मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 40 न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। शराब के नशे में ड्राइविंग, ये घटना मडकेरी नगर में घटी है। वेटनरी विभाग में सेवा कर रहे अरविंद नामक व्यक्ति ने शराब पीकर विभाग की टाटा सोमो वाहन को लापरवाही से ड्राइविंग करके निषाद नामक एक व्यक्ति को घायल कर दिया, जिसको अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस ड्राइवर ने 3 वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया है। लोगों ने पकड़ कर इसको पुलिस के हवाले किया, मामला मडकेरी पुलिस थाने में दर्ज हुआ। रौडी शीटर पर पुलिस की फायरिंग, कई दिनों से कलबुर्गी शहर में गुंडागिरी कर रहे पुलिस से आंख में चोली खेलने वाले रौडी शीटर 7 स्टार प्रदीप भूवी पुलिस को तलाश थी। इस रौडी पर कई पुलिस थानों में 17 से भी अधिक शिकायतें दर्ज हैं। पुख्ता जानकारी के आधार पर जब पुलिस को जानकारी मिली तो आज सुबह पुलिस शाहबाद रोड के ग्रीन सिटी इलाके में इसको दबोचने की कोशिश की तो इसने पुलिस पर तेज धार हथियारों से पुलिस कांस्टेबलों पर हमला कर दिया। तो आत्मरक्षा में अशोक नगर पुलिस थाने के सीपीआई कामले ने रौडी के दोनों पांव पर गोली दाग दी। रौडी को कलबुर्गी सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है, तो वहीं 3 पुलिस कांस्टेबलों को बसवेश्वर अस्पताल में भर्ती किया गया है। गन्ने के बाकी बिल को लेकर किसानों के आक्रोश में तेजी। पिछले 5 दिनों से राज्य में गन्ने के बाकी बिल को अदा करने की मांग करते हुए किसान शुगर फैक्ट्रियों के मालिकों के खिलाफ आक्रोश जताकर धरना दे रहे हैं। कल सीएम कुमार स्वामी ने किसानों से अपील करते हुए बेंगलुरु आने की न्योता दिया था, मगर किसान कह रहे हैं कि खुद सीएम बेलगाम आकर उनकी फरियाद सुने। आज बेलगाम में अपने एहतजाज में तेजी लाते हुए किसानों ने पुलिस से भिड़ते हुए गन्ने से लदे ट्रैक्टरों को स्वर्ण सौदा में घुसा दिया। चिल्ड्रंस डे पर ही मासूम की मौत। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के मौके पर घर के पास ही स्थित कुएं में मासूम श्रद्धा की लाश मिली थी। ये घटना दक्षिण कन्नड़ा जिला बंटवाड़ तालुका इरवतनूर ग्राम मन्नूर में घटी है। इलाके के 150 से भी ज्यादा लोगों ने पुलिस में शिकायत की थी कि पुंजाल कट्टा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। कहा जा रहा है कि माँ सुजाता ने ही अपने मासूम बेटी को अपने दोस्त रोड्रिक्स के साथ मिलकर कत्ल किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस थाने में डांस करने वाला पीएसआई सस्पेंड। एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर ड्यूटी के वक्त थाने में आरोपी के सामने डांस करते हुए आरोपी को भी जबरदस्ती डांस करने पर मजबूर करने वाले का वीडियो कल ही वायरल हुआ था। ये घटना कोलार जिला बेतमंगला पुलिस थाने में घटी है। डांस करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम होने गौड़ा है। पीएसआई पद पर काम कर रहे इस अधिकारी ने भूवी समुदाय के व्यक्ति को गिरफ्तार करके इस तरीके से पूछताछ कर रहा था। केजीएफ एसपी लोकेश कुमार ने डांस करने वाले इस पीएसआई को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है। महिला पुलिस ड्रेस कोड जारी, डीजी का आदेश। पिछले दिनों पुलिस डीजी ढीलमणि राजू ने महिला पुलिस वालों के लिबास से संबंधित आदेश जारी किया था कि अब ड्यूटी पर महिला पुलिस वाले साड़ी नहीं पहन सकती, बल्कि पैंट और शर्ट ही पहनना होगा, जिसके चलते ये कानून आज से ही जारी हो गया है। इसका पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, कहा डीजी ढीलमणि राजू ने। गौशाला खोलने का आग्रह। चित्रदुर्ग में ध्यान संस्था की ओर से गाय बचाओ अभियान चलाया गया, जिसमें संस्था के कई लोगों ने गाय बचाने की गुहार लगाते हुए इस सूखे में गायों को पीने का पानी और चारा मुहैया करने की गर्ज से गौशाला खोलने का आग्रह करते हुए जिला अधिकारी को मनवी पत्र सौंपा। बेलगाम में किसान गिरफ्तार, सरकार का रवैया सख्त। गन्ने के बाकी बिल की अदायगी को लेकर बेलगाम के स्वर्ण सौदा के पास चल रहे किसानों के आंदोलन में तेजी आई है। कुछ किसान नेशनल हाईवे रोक कर रहे हैं तो कुछ किसान जिला अधिकारी दफ्तर के पास एहतजाज कर रहे हैं। नेशनल हाईवे रोकने वाले 15 किसानों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। कहा जा रहा है कि इन पर नॉन बेलेबल केस दर्ज किया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 40 न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।